कक्षा में आपका स्वागत है। जैसे कि हम आपको गणित विषय का अध्ययन करा रहे हैं और हम आपको परिमाप और क्षेत्रफल के बारे में सवालों को हल करवा रहे थे, तो आज जो हम सवाल कर रहे हैं वो है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर है और लंबाई है 60 मीटर। तो सबसे पहले आपको खेत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। खेत की चौड़ाई ज्ञात होने के बाद खेत का परिमाप ज्ञात करना है। तो देखिए सवाल के अंदर, अगर हमें खेत का परिमाप ज्ञात करना हो तो आपको पता है कि परिमाप का सूत्र होता है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई होनी जरूरी है, चौड़ाई होनी जरूरी है। तो इसके अंदर हमें केवल लंबाई दे रखी है, चौड़ाई नहीं दे रखी। तो क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए हमें इसके सबसे पहले क्या ज्ञात करनी पड़ेगी, चौड़ाई। और चौड़ाई कैसे ज्ञात करेंगे, इस क्षेत्रफल के आधार पर। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर, तो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 3000 के अंदर लंबाई भी शामिल है, चौड़ाई भी शामिल है। तो लंबाई तो हमें दे रखी है, चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखना है और समझना है। सबसे पहले आयताकार खेत का क्षेत्र, आयताकार खेत का क्षेत्रफल, ये आपको दे रखा है 3000 वर्ग मीटर। आयताकार खेत का क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर। फिर आयताकार खेत की लंबाई बराबर 60 मीटर। आयताकार खेत का क्षेत्रफल 3000 वर्ग मीटर, आयताकार खेत की लंबाई 60 मीटर। आयताकार खेत की चौड़ाई, आयताकार खेत की चौड़ाई, आयताकार खेत की चौड़ाई का जो सूत्र होता है वो होता है क्षेत्रफल बट्टा लंबाई, क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 3000 वर्ग मीटर, 3000 वर्ग मीटर बट्टा लंबाई कितनी दे रखी है, 60 मीटर, 60 मीटर। तो हम क्या करेंगे, 3000 के अंदर 60 क्या क्या लगाएंगे, भाग। तो सबसे पहले वर्ग मीटर के अंदर मीटर का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा वापस मीटर, क्योंकि वर्ग मीटर को हम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, वर्ग मीटर को हम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। और मीटर स्क्वायर का मतलब होता है मीटर इंटू मीटर। तो एक मीटर से एक मीटर कट गया तो क्या बचेगा, हमारे पास केवल मीटर ही बचेगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा मीटर। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो काट दिया, अब संख्या क्या रहेगी, 300 और 6। तो 300 में 6 का भाग, तो पहले अंक है 30, तो 6 × 6 = 12 × 6 = 18 × 6 = 24 × 6 = 30, 5 बार गया, कितनी बार गया, 5 बार। घटाएंगे तो 0 0
एक उतरा जीरो। अब यहाँ देखिए जीरो है तो छः का भाग हम जीरो में लगाएंगे तो वापस क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो हमने यहाँ लिख दिया 50 मीटर। अब ये जो 50 मीटर है ये क्या निकला, आपकी चौड़ाई। क्या निकली, चौड़ाई। तो हमें पूछा था खेत की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो आयताकार खेत की चौड़ाई हो गई आपके सामने 50 मीटर। कितनी हो गई, 50 मीटर। अब आपको क्या ज्ञात करना है, खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो खेत का परिमाप ज्ञात करना है, खेत का परिमाप। और परिमाप का सूत्र है 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो देखिए 2 तो आपके हो गया सूत्र का, इंटू लंबाई। लंबाई कितनी है आपके पास में, ये देखिए 60 आपको दे रखी है, तो 60 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई अभी हमने ज्ञात की थी 50 मीटर। 50 मीटर, 2 × 60 को और 50 को जोड़ दीजिए, यानी 60 और 50, 0, 6 के अंदर कितने जोड़ने, 5, तो 7, 8, 9, 10, 11, टोटल आया 110 मीटर। अब हम 110 को 2 से, 110 को 2 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 2 को 0 से गुणा करेंगे, 0। 2 को 1 से करेंगे, 2 एकम 2। फिर 2 को 1 से करेंगे, 2 एकम 2। 220 मीटर। अब ये जो 220 निकला है ये क्या निकला आपका, परिमाप। क्या निकला, परिमाप। तो इस सवाल में हमने देखा कि आपको खेत का क्षेत्रफल दे रखा है, खेत का क्षेत्रफल दे रखा है, लंबाई दे रखी है, और आपको चौड़ाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, चौड़ाई। और चौड़ाई ज्ञात करने के बाद चौड़ाई के साथ आपको इसका परिमाप भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमने इसकी चौड़ाई ज्ञात की, चौड़ाई ज्ञात करने के बाद हमने इसका परिमाप ज्ञात किया। तो आपको अगर एक ही सवाल के अंदर दोनों बातें दे रखी हो और दो ही आपसे हल पूछ रहा हो, तो सबसे पहले तो आपको पर्सन को ध्यान से पढ़ना है कि इसमें आपको क्या दे रखा है और क्या आपको इसमें ज्ञात करना है। उसको करने के बाद आप इस पर्सन को सरलता से हल कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को एक दो बार देखिए, सवाल को समझिए, सवाल पढ़िए, और बाद में इस सवाल को आप स्वयं बिना देखा हल करने का प्रयास कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।